अस्सलाम वालेकुम। ये है लिबर LTM 1160। इसकी वीडियो मैंने पहले एक अपलोड की थी जो कि ड्राइविंग कैबिन के फंक्शन वगैरह थे। अब हम इसकी दूसरी जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको बताएंगे कि इसका जो ऑपरेटिंग कैबिन है उसमें क्या फंक्शंस हैं। अच्छा, तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूं। ये इसका इमरजेंसी स्टॉप है, अगर ये आप प्रेस कर देंगे आपकी तमाम पूरी क्रेन ऑफ हो जाएगी। और इसको रिलीज़ करने के लिए आपको चाबी चाहिए जो कि क्रेन के साथ आती है, उससे ये रिलीज़ होता है, इमरजेंसी स्टॉपर है। उसके बाद इसके काउंटर वेट हैं, एक काउंटर वेट 10 टन का आता है। ये इसकी काउंटर वेट यहाँ से ऊपर जाने के लिए, ये टूल बॉक्स, और ये ऑटो सिस्टम है, इसमें सारा ऑटो लेवलिंग भी है, इसके सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल नया मॉडल क्रेन है, 2019 मॉडल क्रेन है। ये क्रेन आप देख रहे हैं इस वक्त एक स्मॉल लिफ्ट कर रही है, और ये इसके लॉक्स की पोजीशनें दी हुई हैं। ये लॉक्स, ये वाले लॉक्स और ये लॉक्स वहाँ पे सेंटर में आएगा। ये सेफ्टी लॉक्स है, अगर आपने हैवी लिफ्ट करनी है तो ये एक्सटेंड करके इस लॉक को आप यहाँ लगा देंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन केस अल्लाह ना करे आपकी क्रेन एक साइड से उठ जाए या कोई एक्सीडेंट का कोई इसका इशू बने, तो ये इसको क्लोज़ नहीं होते, बंद नहीं होते, क्योंकि अगर अदरवाइज़ इसकी जो हाइड्रोलिक है वो पाइप फट जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाते हैं। और क्लोज़ होने की वजह से ये जो है ना बड़ा इशू बन सकता है। अभी मैं इस ऊपर जाऊंगा इस क्रेन के और आपको इसके ऊपर वाले केबन का बताऊंगा कि इसमें क्या है। ये इसका ऑपरेटर है जो अभी लिफ्ट कर रहा है, और इसका ग्रीन टैग है ऊपर, राइट ग्रीन लाइन भी है थोड़ा। तो मैं आपको इसके फंक्शन इससे पूछ के बताऊंगा। हेलो पारे। हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज द ऑपरेटर and we are now going to check। अब हम देखेंगे, ये एक बार मैं आपको शो करा दूँ इस क्रेन का, ये डिस्प्ले है। अब बूम क्लोज, हाँ या बूम क्लोज कैसे करना है। ओके, एक जीरो, ओके नाउ विल गो देयर। इज ऑलरेडी यू हैव सिलेक्शन फॉर देयर, F1, F2, F3 and F4 is different button, हाँ? Yeah. ये F1, 2, 3, 4 बटन है, इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं बूम एक्सटेंड की, और इसमें बूम वायर, मेन वायर अप डाउन किया है और बूम अप डाउन किया है। ओके, ये अभी इसको द प्रेस करके रखेंगे एंड सिलेंडर वो अनलॉक करेगा। एवरीथिंग ऑटो, हाँ ऑटो। अभी वो सिलेंडर बाहर लेके आ रहा है, क्लोज कर रहा है। सिलेंडर नीचे आ गया, ये जहाँ पे लॉक हो जाएगा, और फिर सिलेंडर पेटी को लॉक करके सिलेंडर अनलॉक होगा, और वो ऑल ये ऑल बटन है जिस ऑल इज ओके, तो ये आ जाएगा, अभी करंट वापस आएगा। ओके, नो यू कैन स्विंग एंड जस्ट यू लिटल बट पर एक्सप्लेन फॉर दिस पैनल, कैन आई शो यू माय व्यूअर्स। ये इसके ऊपर कंट्रोल है, Yeah, they show the lab.
या ये लॉक जब काउंटर वेट दिखाना है लॉक ऑन लॉक काउंटर वेट या ओके अप एंड डाउन ओके हाँ आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन पहले ये बटन दबाना है ये बटन दबाने के बाद इसके तमाम फंक्शन ये काम करेंगे उसके बाद काउंटर वेट लगाना है तो आपको लगाने के टाइम 00 पे लेके जाना है पहले सिलेंडर डाउन करना है साइड पे और लॉक करके फिर आपको 00 पर के आप करना है तो ये यहाँ से करना है। मज़ीद डिटेल आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं कोई चीज़ समझ ना आए। बाकी ये लाइट्स क्या हैं और ये मेन चीज़ इधर काउंटर वेट का है। ओके यू कैन सेम हाँ इट इज़ ऑलमोस्ट सेम मॉडल है जो पुराना लेबर है उसके साथ मैच करता है इतना डिफरेंट नहीं है यानी ये 2019 मॉडल लेबर मॉडल इज डिफरेंट या ऑटो सेंटरिंग एंड आल्सो ऑटो ना जो 2020 मॉडल है उसमें ऑटोमेटिक काउंटर वेट दिया है तो वो उसमें ये आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ओके नो यू कैन स्विंग इसके साइड का पैनल है आप बाहर निकाल सकते हैं इससे और ड्राइविंग के टाइम क्लोज कर सकते हैं। ओके ये क्रेन का लेवल इधर बताती है और मैक्सिमम कैपेसिटी रीविंग्स 6 रीविंग्स एक्चुअल लोड विच यू लिफ्ट हाँ जो लोड आपने उठाना है वो इधर होगा और दिस इज फॉर द रेडियस हाँ 7 मीटर द रेडियस और टेलीस्कोपिंग की परसेंटेज है आपकी जो जो टेलीस्कोपिंग जितना निकलेगा और दिस इज बूम लेंथ। ओके और विंड स्पीड ये विंड स्पीड है विंड स्पीड ये वाली विंड स्पीड टाइम और ये साइड वाले F1 में 2F ये 3 बटन्स हैं और आपके लीवर का कंट्रोल इसमें आता है लॉक स्विंग लॉक जिसे ओके। इस क्रेन के बारे में अगर कोई आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स करें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये नया मॉडल है बिल्कुल 2019 अभी इसका हमने बूम क्लोज कर दिया है और ये इसका सेंटर लॉक करेंगे लॉक किया क्यों करेंट बूम डाउन करने पर सेंटर लॉक कर दिया और ये अभी बूम डाउन कर रहे हैं हम। ये इसका रेडियो है एसी टेम्परेचर और आपको जब आपके लिमिट्स टच हो जाएं वहाँ पे तो आपको वन टाइम प्रेस दिस वन एक बार आप प्रेस करेंगे तो आपके लिमिट स्विच डायरेक्ट हो जाएंगे आप अपना हुक डाउन कर सकते हैं बूम डाउन करके आप हुक अप कर सकते हैं। ये आपके लिमिट स्विच के लिए है मोस्टली फंक्शन सेम है लेबर में नॉट टू मच डिफरेंट बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है और इसका मैनुअल भी सेम है ओल्ड मॉडल के साथ मैनुअल टेलीस्कोपिंग भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ऑलमोस्ट द सेम काउंटर वेट काउंटर वेट का थोड़ा डिफरेंट है बट बाकी मैनुअल सेम है। काउंटर वेट इसका फिक्स करने का सेम प्रोसेस है ओल्ड मॉडल नॉट टू मच डिफरेंस। एक वो आप देख रहे हैं स्मॉल वाला जो दो लाइनें हैं पट्टी लगी हुई ये वाली इससे काउंटर वेट आप लगाने के टाइम पहले एक पे रखना है फिर दूसरे पे जैसे जैसे ओल्ड मॉडल में है तो ये ऑलमोस्ट डिफरेंट है हाँ सेम है ऑलमोस्ट। ये मॉडल की क्रेन है आप इसके बारे में देख सकते हैं। ओके पारे थैंक यू थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन टेक केयर। ये अभी क्लोज हो गई है और इसके आउटरिगर भी उधर से ऊपर से क्लोज हो सकते हैं अभी वो ऊपर से आउटरिगर क्लोज कर रहा है यू कैन क्लोज फ्रॉम अपसाइड हाँ ऊपर से आउटरिगर भी क्लोज कर रहा है
ये बाकी जो पुराने मॉडल में हैं उनमें आपके आउटर गियर ऊपर से क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं। वो देखें आउटर गियर इसके क्लोज हो रहे हैं, जैक अप हो रहे हैं। यू कैन ऑल्सो इन साइड आल्सो फ्रॉम देयर, वहाँ से कंट्रोल करके ये अभी अंदर भी जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू सी ये अंदर भी जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से सिलेक्शन कैसी करनी है इसका। लास्ट यू कैन सेलेक्ट हेयर आउटरिगर या दे हैव एन ऑप्शन दे रहा हूँ इसका। आपने यहाँ पे आउटरिगर सिलेक्शन देनी है सेम सेम जो आपका रिमोट रहता है नीचे वाला। ये अभी देखो सेम, दिस इज द सेम एज ओल्ड, या सेम एज ओल्ड, ओनली द डिफरेंट दिस वन इज यू यूज फॉर दिस वन। स्विच कंट्रोल इन द लीवर राइट साइड। आप लोग ये यहाँ से सिलेक्शन करेंगे जैसे रिमोट का सिलेक्शन किया था, तो यहाँ पे सेम सिलेक्शन है, सेम ऑप्शन है, जैसे उसका रिमोट नीचे वाला रहता है वो F3 वाला और 1 वाला है सारा, बट आपने सिर्फ और सिर्फ ये लीवर से कंट्रोल करना है। आपके आउट रिगर लीवर से कंट्रोल होगी और यू कैन सी हियर ओके ओके और इधर से आप देखेंगे कि ये आपको बताएगा कितना परसेंट आपके आउटर गियर क्लोज हो रहे हैं, वो 70 से 57 और ये देखें 44, ये आउटर गियर आप क्लोज हो रहे हैं। सेंसर लगे हुए हैं स्क्रीन में 00। दिस स्क्रीन इज अ बार यू बेस, दैट्स द डिफरेंट ओनली। दिस वन यू कैन एडजस्ट द काउंटर वेट ओके इन 4 meters and 3.5 meters. Okay. It doesn't go out? No. Huh? Manually. Manually. At the back. Okay. The lifting cylinder of this ballast. Okay. Open like that and then lift. Okay. थोड़ा इसमें different है, ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको दिखाया कि little bit different. Okay. Off the AC. ओके ओके पारे थैंक यू। या ये अभी नीचे से ऊपर से काम खत्म हो गया तो नीचे आके स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट एंड लेवल एंड देन फिनिश द अपसाइड। यू कैन कम देयर ऑन स्टार्ट द क्रेन ऑन सस्पेंशन लेवल एंड एनफ गो टू ड्राइविंग। हाँ बस नीचे आके आप स्टार्ट करेंगे और सस्पेंशन लेवल ओनली जस्ट वेटिंग फॉर द सस्पेंशन लेवल फ्रॉम नाउ यू कैन सस्पेंशन लेवल फ्रॉम द मेन कैबिन। हाँ ओके आफ्टर यू कैन जब ये कंप्लीट हो गया तो आप क्रेन का पूरा चेक कर सकते हैं कि ऑल इज़ ओके और इसके बाद इनसी फिगर्स। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रेन है, नया मॉडल जबरदस्त क्रेन है। ओके इसकी लॉक दी है, पैड चार पीछे पैड डालने के लिए। ये देखिए पैड पीछे रखने के लिए भी जगह दी है। ओके उम्मीद करता हूँ आपको तकरीबन मालूमात जो जो चाहिए होंगी मिल गई होंगी। फिर भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखेंगे क्रेनों के रिलेटेड कोई भी वीडियो। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है,
मेरा ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग सऊदी में या गल्फ कंट्री में आने जहाँ पर नए मॉडल की क्रेन रहती हैं, तो मोस्टली लोग ऑपरेटर तो होते हैं हमारे दोस्त, लेकिन उनको नए मॉडल की क्रेन के फंक्शन का नहीं पता होता। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज मैं अपनी तरफ से दे सकूँ उनको, तो देने की कोशिश करूँ। विंड स्पीड मीटर है, तो बाकी आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। यस, और इसका बहुत इजी है ये हुक चेंज करने के लिए, फॉल चेंज करने के लिए। ये वाला आप रिमूव करेंगे इसको, और इसका ये लॉक है, इसको प्रेस करेंगे, ये सॉरी ये वाला इसको प्रेस करेंगे, ये ओपन करेंगे और वायल को नीचे खींचेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। बहुत इजी है, इसमें कुछ आपको नहीं चाहिए, कोई टूल पानी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये हुक के आगे ये बड़ा वाला दिया हुआ है, नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से नीचे जब लॉक ओपन हो जाएगा, नीचे आके निकाल लेंगे आप, जैसे नीचे निकालेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। सेम इसी का, इसके दूसरा भी सेम दिया है। इसका फॉल चेंज करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है एबर में, बहुत इजी है। ये देखिए इसके क्लम्प्स बिल्कुल फिक्स से ओपन करेंगे, ये वाला लॉक निकालेंगे और ये वायर बाहर निकाल लेंगे, फॉल एक्सटेंड करके फिर इसको ऊपर से डाल के यहाँ से लॉक कर देंगे। तो वेरी इजी फॉर द यू कैन एक्सटेंड द रीडिंग, या सेम डायरेक्ट, नॉट टू मच डिफरेंट, बहुत ज़्यादा इजी है। सो ये आप इजीली इसकी फॉल एक्सटेंड ज़्यादा या कम कर सकते हैं, वेरी इजी। मैंने ये आपको दिखा दिए हैं, ये वाला ये लॉक ओपन करेंगे, और इसमें इसका फ्लाई जेब भी स्क्रीन के साथ फिक्स नहीं है, लेकिन इसका फ्लाई जेब भी रिमोट के साथ आता है, वो सिलेंडर दिया है, वो सिलेंडर के साथ आप जैक लगता है तो वो फ्लाई जेब को एक्सटेंड करता है, लेकिन स्क्रीन में भी फ्लाई जेब लगा हुआ नहीं है, तो इसलिए क्योंकि फ्लाई जेब पर काम नहीं है। तो ये ओके ओके बारे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके ओके फ्रेंड्स, मैं अभी जा रहा हूँ वापस, और ये आपने क्रेन देख ली, इसकी वीडियो हमने आपके लिए शेयर की, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, शुक्रिया।